गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। मैं हूं सतीश कुमार तिवारी और मैं लाता हूं रोज़ के करंट अफेयर अपडेट्स जो महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें करंट अफेयर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 10 जनवरी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चूंकि यह इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो जनवरी में अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए जा चुके हैं आइए उनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मनाया गया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मनाया गया है ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी को एक और दिवस मनाया गया है जो है DRDO दिवस। इसके बाद आया है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेल डे। इसके बाद आया 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे। इसके बाद है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस। और 12 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल यूथ डे, जिसके बारे में हम उस दिन को भी बात करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अम्मा ओडी योजना की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अम्मा ओडी योजना के तहत राज्य के सभी 82 लाख बच्चों के माताओं को उनके खातों में 15,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि सभी माताएं अपने बच्चों को शिक्षित करने हेतु ये राशि खर्च कर सकें। चूंकि यहाँ बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 176 है, राज्यसभा सीट 11 है तथा लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाडा ने भारत के महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर होगा 4 वर्ष। भारतीय महिला वेटलिफ्टर सरबजीत कौर डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई हैं, इसीलिए भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा उन्हें लगभग 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। चूंकि यहाँ बात नाडा की हुई है तो आइए जानते हैं नाडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नाडा का मोटो है प्ले फेयर। इसका स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। नाडा का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी खेल मंत्री होते हैं और हाल में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं और हाल में नाडा के CEO नवीन अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलम की मेजबानी कौन करेगा? इसका उत्तर होगा विशाखापट्टनम। मिलन 2020 नौसेना का एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है और यह मार्च 2020 में होने वाला है जिसकी मेजबानी विशाखापट्टनम करेगा। चूंकि यहाँ बात इंडियन नेवी की हुई है तो आइए जानते हैं इंडियन नेवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन नेवी का मोटो है सन नो वरुण और हाल में इसके प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, मिताली राज की बायोपिक पर आधारित फिल्म सबास मिट्ठू के निर्देशक कौन है? इसका उत्तर होगा राहुल ढोलकिया। हाल ही में मिताली राज के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने की घोषणा की गई है जिसका नाम है सबास मिट्ठू और इसके निर्देशक राहुल ढोलकिया हैं और इस फिल्म में तापसी पन्नू मिताली राज का किरदार निभाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? इसका उत्तर होगा लद्दाख। हाल ही में लद्दाख में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है जिसमें महिला ट्रॉफी लद्दाख की ही टीम ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का रैंक क्या है? इसका उत्तर होगा 84वां। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी किया गया है जिसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में 2019 में भारत 82वें स्थान पर था और अब यह 2 पायदान खिसक कर 84वें स्थान पर आ गया है। वर्तमान में भारत 58 देशों को वीजा फ्री एक्सेस सुविधा देता है और यह रैंकिंग इसी अनुसार की गई है। इस रैंकिंग में जापान 191 देश वीजा फ्री एक्सेस के साथ टॉप पर है। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर जो 190 देश वीजा फ्री एक्सेस देता है और तीसरा देश 189 देश वीजा फ्री एक्सेस के साथ जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों हैं। आइए जानते हैं हेनले एंड पार्टनर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसका मुख्यालय लंदन यानी UK में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। हाल में इसके अध्यक्ष क्रिश्चियन केलिन हैं और इसके CEO जयुगर स्टीफन हैं। अगला प्रश्न है,
हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा एम नागराज। हुडको आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का ऋण देता है। चूंकि यहाँ बात हुडको की हुई है तो आइए जानते हैं हुडको के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी आवास और शहरी विकास निगम। हाल में भारत के आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। आवास और शहरी विकास निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 को की गई थी और हाल में इसके अध्यक्ष एवं एमडी एम नागराज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर होगा 5%। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस जारी किया गया और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत का विकास दर 5% रहने का अनुमान लगाया है और साथ ही इस रिपोर्ट में भारत का 2021 के लिए विकास दर 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि यह बात वर्ल्ड बैंक की हुई है तो आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हाल में इसके अध्यक्ष डेविड आर मालपास हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसका गठन जुलाई 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ए सक्थिवेल। AEPC का फुल फॉर्म होता है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और हाल ही में 2020-21 की अवधि के लिए ए सक्थिवेल को इस AEPC का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे पहले AEPC के अध्यक्ष HKL मागू थे। अगला प्रश्न है, SBI ने भारत का GDP दर वित्त वर्ष 2020 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर होगा 4.6%। SBI के अनुसंधान डेस्क ने वर्ष 2020 के लिए भारत का GDP दर 5% से घटाकर 4.6% कर दिया है। चूंकि यह बात SBI की हुई है तो आइए जानते हैं SBI के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल में SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई व्यापार और यात्रा विनिमय एक्सपो SATTE 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में SATTE के 27वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें 50 से अधिक देशों और 28 भारतीय राज्यों के लगभग 1000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो का PDF फाइल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे सभी PDF फाइल लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।